Hello everyone, I am Dr. Ruchi Bhardwaj, Ayurveda Fertility Expert and Ayurveda Consultant more than 10 years. So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे करनी है और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी उनका स्पर्म क्वालिटी नहीं होती, स्पर्म काउंट में नहीं होते और बिल्कुल भी अच्छे फंक्शनल नहीं रहते. स्पर्म मॉर्फोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होती है या फिर काफ़ी फीमेल्स में भी उनका एग रिजर्व में लग जाता है, बिल्कुल एग काउंट ही नहीं होता. तो ऐसे केसेस में डोनर एग लेते हैं और वो IVF के लिए प्लान करते हैं. जब आप IVF की साइकिल के लिए जाते हैं ना, तो आप डे वन से ही, जैसे ही आपका इम्प्लांट होता है, आप अपने बॉडी में सिम्टम्स नोटिस करते हैं और आपको लगता है वाओ बच्चा कंसीव हो गया है और अब मुझे इस महीने में प्रेगनेंट हो जाऊँगी. बट आप ये नहीं समझते जब आप उस चीज़ के लिए बहुत ही एग्रेसिवली सिर्फ उसी पे फोकस होकर आप अपने माइंड में सिम्टम्स लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस में बताए गए सिम्टम्स से रिलेट करते हैं और बार बार उस चीज़ की एंजाइटी रखते हैं. सो डेफिनेटली आपका भी एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है जिससे कि आपकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है. तो सबसे पहले कोई भी, मतलब आप किसी भी तरीके से, चाहे नेचुरल ट्राई कर रहे हैं, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक थी, आपने ट्यूब्स खुलवाई, आपकी ट्यूब्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ओपन होने के बाद आपके एग भी अच्छे बनने लगे और अब टाइम सिर्फ आपकी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का है और उसमें आप क्या करते हैं कि हाँ अब तो ट्यूब खुल गई, मेरा तो एग भी अच्छा बनता है, स्पर्म इश्यूज़ है ही नहीं कुछ. तो आप बार बार नोटिस करते हैं कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो ये है या नहीं, जिसने जो बताया था वो चेंजेस आ रहे हैं. पीरियड्स के दौरान पे आप देखते हो साइकिल कितने हैं. तो ओवर कॉन्शियसनेस जो है वो आपके मेंटल लेवल को या आपके ब्रेन के हार्मोन्स को, आपके कॉर्टिसोल लेवल को, उसको डिस्टर्ब करती है. जब आपका डोपामिन लेवल भी सही नहीं होगा तो उससे इम्प्लांटेशन फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो मेक श्योर आप ट्रीटमेंट जब फॉलो कर रहे हैं तो एक स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ नॉट अबाउट की कोई पूजा पाठ. आप अपना सेल्फ एनालिसिस करके काम रहकर आप बस ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए और आप अपना डे टू डे लाइफ अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए और डेफिनेटली आपको कंसेप्शन हो जाएगा. बट बहुत ज़्यादा आप उसको बहुत नोटिस करेंगे तो नो डाउट कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, आपके गट इश्यू, मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बनता है. तो सबसे पहले अपनी ओवर एंजाइटी को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ जाना है, अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ट्रीटमेंट पे बिलीव रखना है और हाँ पॉजिटिव रह के सिर्फ डे टू डे लाइफ में अपना अच्छे से रेजाइम फॉलो करके, हेल्दी रेजाइम फॉलो करके और आपने अच्छे से अपना पूरा दिन बिताना है. सेकेंड, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमने जब जैसे ही हमें पीरियड्स आते हैं उसके 2 हफ्ते बाद हम फॉलो करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए. सबसे पहले हमें डाइट पे बहुत ध्यान देना है. वी शुड बी फोकस्ड. उन दिनों में हमें मेक श्योर नॉन वेज, रेड मीट हम ना खाएं, ग्रिल्ड मीट ना हम ना खाएं. उससे क्या रहता है, बॉडी में अगेन डाइजेशन इश्यू आते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर होने के चांसेस रहते हैं. थर्ड, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी नींद. अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं या फिर उसके साथ साथ आपको ये भी लग रहा है कि आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, उस वजह से नींद नहीं आ रही, या दिन के टाइम आप सो जाते हैं और रात को आप नहीं सोते, आपका स्लीपिंग पैटर्न ऐसा है तो ये भी आपके इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकता है. तो आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छा कर और कम्प्लीटली रात के टाइम पे जो नाइट आवर्स होते हैं उसी में आपको 8 to 10 hours का स्लीप लेना है, जो कि अपनी आपके बॉडी के डोपामिन लेवल को अच्छा रखेंगे, जो कि आपके हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं और आपका अच्छा एग आपकी यूट्रस की लाइनिंग को अच्छा बनाएगा और वो लाइनिंग आपको अच्छे से इम्प्लांट करने में सक्सेस करवाएगी. फोर्थ, आप क्या करते हैं, आपकी खाने की डेली रूटीन के डाइट में आप हल्दी का दूध पी रहे हैं, आप जिंजर ले रहे हैं, आप बहुत सारा, मतलब दालचीनी और इन सारी चीज़ों का, स्पाइसेस का यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं या मार्केट में जिसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए, इसको हमें अवॉइड करना है. देखिए, टर्मरिक बहुत अच्छा है, जिंजर बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बट ये कहीं ना कहीं आपकी यूट्राइन लाइनिंग को भी शेड आउट करता है तो आपका इम्प्लांटेशन इसकी वजह से फेलियर हो सकता है. ऐसा मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ. तो अगर आपकी डाइट में इनमें से कुछ भी बहुत ज़्यादा है तो उस पर फोकस करके, कंट्रोल करके, मैनेज करके आपको आगे बढ़ना है. सिक्स, आपको क्या करना है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको वाइटामिन डी, आयरन इनटेक वाली डाइट बढ़ा देनी है. जैसे ड्रिंक्स में आप जौ का सत्तू ले सकते हैं,
रागी का आटा आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, विटामिन डी के मार्केट से शीट ले सकते हैं, खाने में आप फ्रूट्स में जो बनाना है उसमें पोटेशियम है जिससे प्रोजेस्टेरोन लेवल भी अच्छा रहता है, B12 है आप वो ले सकते हैं, दालें अपनी ले सकते हैं अच्छा प्रोटीन इनटेक के उसमें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ बॉयल्ड एग ले सकते हैं, बट मेक श्योर इस टाइम पे आप मीट और जो भी मतलब ग्रिल्ड या फ्राइड मीट भी कुछ भी चिकन वगैरह लेते हैं फ्राइड, उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स का स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। लोग एग्रेसिवली जिम एक्सरसाइजेस करते हैं बट वे अपने इंटरनल ऑर्गन्स के स्टिमुलेशन पे ध्यान नहीं देते। सो मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा स्पेशली जो भी मतलब अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, वो आपकी ओवरीज की मोबिलिटीज को ठीक करेंगे, यूट्रस की तरफ खून का दौरा बढ़ाएंगे और वहाँ पर जब अच्छी लाइनिंग बनेगी सो डेफिनेटली आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा। और जो सबसे ज़रूरी है जो कि मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ, खाने में रेड कलर का फ्रूट, अनार जो है, अंजीर, बीट रूट, ये अपनी डाइट में रखिए अपनी साइकिल से नेक्स्ट 15 डेज में। सो आपका डेफिनेटली आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेस होगा। धन्यवाद।